एवं अंजुम के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको चिकन कचौरी बनाने का तरीका बताऊँगी। इसके लिए 2 कप मैदा लिया है, 1/2 चम्मच जो है वो नमक का जाएगा, और ये 3 चम्मच आप ऑयल डालें या घी, आपकी मर्ज़ी है, ये जाएगा 3 चम्मच, 2 कप मैदा में 3 चम्मच। चलिए हम इसको अब पानी से गूंद लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसको इस गूंद लेंगे। इसको ना ज़्यादा आपने सख्त रखना है और ना ज़्यादा नरम करना है। आप इसको अच्छी तरह से गूंद लें ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए, स्मूथ हो जाए और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना हो। चलें, ये हमारा अब रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से अपने इसको अब 20 मिनट के लिए आप इसको रख दें। ये अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब ये ऑयल डालूंगी मैं फ्राई पैन में, और इसमें ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। ये 400 ग्राम ये चिकन का कीमा है, ये इसमें डालूंगी। ये 1/2 चम्मच इसमें नमक का डाल के इसको मैं भून लूँगी। जब इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा तो बाकी के जो है वो मसाले डालूँगी। ये अब गोश्त जो है ये सफ़ेद हो गया है, अब इसमें बाकी मसाले डालूँगी। 1 चम्मच धनिया जाएगा इसमें, धनिया पाउडर। आपने पहले धनिया को जो है वो रोस्ट कर लेना है हल्का सा, उसके बाद आप इसको जो है वो पीस लें। इतना से 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आपने रोस्ट करके इसको पीस लेना है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1/2 कप से भी थोड़ा, और इसको मैं कवर करके गलने के लिए रख दूँगी। कवर इसका हटा लिया है, ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इस मरले पर ये दरमियाने साइज़ का एक छोटा सा ये टमाटर है, इसको बारीक बारीक काटा है वो मैं इसमें डाल दिया है वो मैंने। और इसमें 1/2 चम्मच जो है ये गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं 2 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रखूँगी ताकि ये टमाटर जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। चलें, ये अब जो है खुश्क हो गया है और इसमें ये तकरीबन टमाटर हमारे गल गए हैं। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक सा ये चॉप कर लिया है। ये इसमें जाएगा 2 अदद सब्ज़ मिर्च, ये बारीक कटी हुई ये इसमें जाएगी, और ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब सब धनिया ये इसमें जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चलिए, मसाला हमारा रेडी है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए इसको रख दूंगी। 3 चम्मच ये मैदा लिया था मैंने, और इसमें 3 चम्मच घी के डाले हैं, मैं इसको मिक्स कर लूंगी। ये हमारी इस तरह से लई सी एक तैयार हो गई है, इसको एक साइड पर रखेंगे। ये तकरीबन इसके जो हमने इसको रखा था तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए रखना है कम से कम, और ज़्यादा आप जितना देर भी आपको रखें रख सकते हैं। अब हम इसके जो है वो दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इतना सा आपने आटा लेना है, और इस तरह से आपने सारे जो है पेड़े बना के रख दें। अब इसके ये मैं मैदे के पेड़े मैंने बना लिए हैं, मैं इसे बेल लूँगी। कैसे आप बेल के इसके ऊपर ये
जो पेस्ट हमने बनाया था मैदे और घी वाला, ये आप इसके ऊपर लगा दें। इस तरह आप इसको फोल्ड कर दें इस तरीके से, और ये सब सारे जो हैं पेड़े आप इसी तरह से बेल के इसी तरह से आप फोल्ड कर लें। ये स्टेप हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी कचौरियाँ बना के इसमें हम जो मसाला तैयार किया है वो भर लेंगे। इसको इस तरह लंबाई के रुख हम बेल लेंगे। अपने इसको चौकोर कर देना है। चले अब हम इसमें मसाला भर लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह ये इसको इकट्ठा करके आप इसको कचौरी की शक्ल दे दें। ये देखिए ये हमारी कचौरी तैयार हो गई। इस तरह ये सारी कचौरी हम तैयार कर लेंगे। हमारी रेडी हो गई हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। अब इस जब मैं कचौरियाँ डालूँगी तो आग को मैं धीमा कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसके पकने के लिए। नीचे से जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो हम उसकी दूसरी साइड वो चेंज करेंगे। ये एक साइड जो है वो पक गई है, जो मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी है। अब 2 मिनट के बाद ये हमारी गोल्डन हो जाएंगी, मैं इन्हें निकाल लूँगी। कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। चिकन कचौरी हमारी तैयार है, ये देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।